नमस्कार, एमकेएन देख रहे हैं आप। प्रदेश में सरकार माफियाओं को लेकर एक्शन मोड में है। सीएम शिवराज की चेतावनी से भू माफियाओं में एक खलबली सी है और इन सब के बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिसमें स्कूल के छात्रों की जान मुसीबत में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची मेहरा। मुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं शहडोल जिले के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जैतपुर की, जहां शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त अभियान चलाकर कई जगहों से शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया, पर शासन ने जर्जर बिल्डिंग को गिराने के साथ साथ कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की बाउंड्री वॉल को भी गिरा दिया है, जिससे अब वहां पढ़ने वाले छात्रों पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जैतपुर के इस स्कूल में बनी जर्जर अतिरिक्त कक्ष को गिराने के साथ साथ जिला प्रशासन ने स्कूल में बनी बाउंड्री वॉल को भी गिरा दिया, पर कई दिन बीत जाने के बाद भी नई बाउंड्री वॉल का कार्य शुरू नहीं हुआ और अब सरकार के निर्देश के बाद स्कूल भी संचालित किया जा रहा है। पर यह सोचने वाली बात है कि जब जर्जर बिल्डिंग को तोड़ना था तो फिर बाउंड्री वॉल क्यों तोड़ी गई? यह बड़ा सवाल है, जहां प्रदेश सरकार स्कूल के बच्चों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, पर शहडोल जिला प्रशासन बच्चों की सुरक्षा में सेंध लगाता नजर आ रहा है, जो अब स्कूल परिषद खुले में है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो अब बिना बाउंड्री वॉल के ही रह गया है, वहीं और स्कूल के बाहर का पूरा नजारा क्लास में बैठी छात्राएं देख रही हैं। स्कूल के बाहर असामाजिक तत्वों का जमावट लगा रहता है, वहीं स्कूल के बाहर पान के ठेलों में लोग खड़े होकर नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जो स्कूल के अंदर से साफ देखा जा सकता है। बच्चों को खेलने के लिए जो ग्राउंड बना हुआ है वो भी घास से भरा हुआ है, जो इस बरसात में कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। वहीं स्कूल के प्राचार्य ब्रज किशोर साय पैकरा ने बताया कि बाउंड्री वॉल बनाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को जानकारी दी गई है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बच्चियाँ असुरक्षित तो हैं ही, पर असुरक्षित हम भी महसूस करते हैं। बाकी प्रस्ताव की बात है, तो एक बार ऐसी साहब भ्रमण में आए थे तो उनको मौखिक चर्चा भी हुई, उसके बाद में जानकारी आई थी भोपाल से के संबंध में, बहुत से स्कूलों के आए थे, उसमें जानकारी देना था, तो मैं भी बाड़ीवार के संबंध में जानकारी ऐसी ऑफिस पहुँचा दिया हूँ। ये सब पंचायत के सत्ताधिकार में था, प्रशासन के लिए दिया गया। इसमें यही है कि जो जिला प्रशासन के आदेश पे उसको जो है, चूँकि जो भवन निर्मित भवन थे वो पूर्णी जीर्ण शीर्ण हो गए थे, उनका जो है नष्ट किया जाना उचित था, इस कारण से उसे तोड़ दिया गया है। और चूँकि इसी संबंध में जो है बाउंड्री वॉल भी उसी से लगे हुए थे, इसलिए वो भी निकाल दिया गया है। उसका एक बार सीमांकन कराने का आवेदन आया है हमारे पास, उसका सीमांकन करा करके और फिर जितनी शासकीय जमीन है वो चिन्हित कर ली गई। देखिए, जो जैतपुर हायर सेकेंडरी स्कूल है हमारा, वो कन्या हायर सेकेंडरी है, उसके जो सामने आपने देखा होगा मार्केट के जो लगा हुआ है, उसमें बहुत पुरानी एक हमारी इमारत थी, बिल्डिंग थी, जो जहाँ पर मिडिल क्लास लगा करती थी। अब वो काफ़ी जर्जर अवस्था में थी, ये था कभी भी गिर सकती है, और उसमें दरवाजे वगैरह उसमें कुछ नहीं थे, तो आवारा तत्व उसमें सुनने में आता था कि आवारा तत्व भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये बात जब प्रशासन की नज़र में लाई गई तो ये आदेश हुआ कि उसको बिल्कुल से गिरा दिया जाए, और उसके बाद नई बिल्डिंग नहीं, नया फिर उसमें बाउंड्री वॉल बनाने के लिए फिर हमने सहायक महोदय को बताया था, और वो शायद प्रस्ताव भी भोपाल को भिजवा दिया गया। आज हम बात कर रहे हैं शहडोल के जैतपुर में कन्या शासकीय कन्या विद्यालय की, जहां पर आपको बता दें जर्जर भवन को यहां पर गिराया जाना था, लेकिन इसके साथ ही बाउंड्री वॉल जो थी स्कूल की उसे गिरा दिया गया है, जिसके कारण अब जो बाउंड्री वहां पर लगी हुई थी स्कूल में वो वहां पर नहीं रही है। वहीं ये जो बाउंड्री गिराई गई है, इसके बाद काफी वक्त बीत जाने के बावजूद भी अब तक बाउंड्री वॉल को वापस से बनाने के लिए किसी भी प्रकार के से यहां पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें
बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया है। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी शेयर करने के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं पंकज राव। पंकज, जयपुर का यह मामला है जहां पर बाउंड्री वॉल गिरा दी गई है, जर्जर मकान को गिराया जा रहा था, इस दौरान ये मामला यहां पर सामने आया था। क्या परेशानियां अभी वहां पर स्कूल में जो विद्यार्थी हैं उनके सामने क्या परेशानियां यहां पर सामने आ रही है, क्या पूरा मामला है विस्तार से बताइए। जी बताना चाहूंगा आप राजीव जी की, मामला ये जयपुर शहडोल जिले के जयपुर हायर सेकेंडरी कन्या स्कूल का है, जिसमें से कि प्रशासन ने एक बिल्डिंग को गिराने के चलते पूरी की पूरी बाउंड्री ही गिरा दी, जिससे अब बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और जब मेरे द्वारा वहां पर गया और वहां पर देखा कि पूरी तरह से खुला था और वहां पर बाउंड्री वॉल न होने का पूरा मार्केट दिख रहा था, जिससे लोगों को कई लोग आ जा रहे थे, बच्चे ना खेल पा रहे ना किसी प्रकार कहीं भी, जो कि वहां पर देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि आप वहां पर एक भी साफ सफाई नहीं, कई प्रकार की समस्याएं बच्चों को झेलना पड़ रहा है। जी प्राची जी, जी पंकज जी, वहीं यहां पर जो स्कूल प्रबंधन है उन लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले में। मैं बताना चाहूंगा कि जब मेरे द्वारा इस प्रचार से बात की गई और स्कूल के कुछ अधिकारियों से बात की गई तो उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि ये 2-3 मंथ पूर्व प्रशासन के द्वारा बिल्डिंग को गिरा दी गई थी, क्योंकि वहां पर कुछ एक क्षतिग्रस्त बिल्डिंग थी जिसे गिराने के चलते बाउंड्री वॉल भी गिरानी पड़ी। और उनका साफ कहना कि हमारे द्वारा प्रस्ताव भोपाल को भेजा गया है, जन शिक्षा अधिकारी के द्वारा भेजा गया है और जल्द से जल्द ये बाउंड्री वॉल निर्माण कर दी जाएगी, पर ये 3 से 4 मंथ हो चुके हैं, अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी प्राची जी, जी वहीं पंकज जी, यहाँ पर जो जिम्मेदार है, जो प्रशासन है, उसका क्या रवैया देखा जा रहा है, क्योंकि जल्द से जल्द यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल है वो बनाना यहाँ पर काफी जरूरी है। एक सुरक्षा को लेकर वो वॉल बनाई गई थी लेकिन वो वॉल ही वहां से हटा दी गई है, तो यहाँ पर प्रशासन कितना गंभीर है इस मामले को लेकर, क्या किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर हुई है। देखिए मैं बात करूंगा, मैं मेरे द्वारा सीधे तहसीलदार चंद्र कुमार भट्टे जी से बात हुई इस मामले को लेकर के, तो उनके द्वारा यह बताया गया कि अभी सीमांकन की तैयारी चल रही है, हमारे पास सीमांकन के लिए आवेदन आया था मगर आज तक कई मंथ पहुंचने के बाद भी सीमांकन नहीं हो पाया, तो इससे ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशासन कितना सख्त है इस मामले को लेकर के। अगर सख्त तो होता तो अभी तक सीमांकन होकर के बाउंड्री वॉल का कार्य शुरू कर दिया जाता। जी पंकज जी, वही कुछ देर के लिए आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आपको बता दें डीके निगम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हमारे साथ इस मामले में बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। निगम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी मैम, जयपुर की हम बात कर रहे हैं जहां पर शासकीय कन्या विद्यालय है, जहां पर बाउंड्री वॉल गिरा दी गई थी जर्जर भवन को गिराने के दौरान, जिसका यहां पर अब तक किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। किस तरीके की परेशानियां हैं जो यहां पर प्रबंधन देखने को यहां पर मिल रही है। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल जयपुर है, इसके बगल में पुरानी हमारी बिल्डिंग थी जिसमें माध्यमिक क्लास की कक्षाएं चला करती थी, वो बहुत जर्जर हो गया था, इसलिए उसको गिराना बहुत जरूरी था, क्योंकि नहीं अगर ऐसे अचानक गिर जाता तो बच्चों को क्षति हो सकती थी, इसलिए हमने उसको गिरवा दिया है। और वहाँ पे बाउंड्री वॉल के लिए प्रयास किया जा रहा है, सहायक महोदय के द्वारा भोपाल के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जैसे ही हमारा ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यथाशीघ्र बाउंड्री वॉल का कार्य शुरू हो जाएगा। जी वही आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कब तक ये जो दीवार है वो बनकर तैयार हो जाएगी। अब ये निश्चित समय तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 2-3-4 महीने के अंदर ये जो हमारी ये बाउंड्री वॉल बन सकती है। जी जी निगम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं हम आपको बता दें जयपुर की हम बात कर रहे हैं जहां पर कन्या शासकीय विद्यालय है, जहां पर बाउंड्री वॉल को यहां पर गिरा दिया गया था, कुछ महीने पहले की बात है, काफी लंबा समय इसे बीत चुका है, लेकिन लगातार शिकायतें करने के बावजूद भी यहां पर प्रशासन अब तक नहीं जागा है और बाउंड्री वॉल बनाने की तमाम यहां पर आश्वासन दिया जा रहा है और अधिकारी जो हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लगातार जो दीवार बनाने का काम है वो यहां पर किया जा रहा है, लेकिन यहां पर आपको बता दें करीब 3 से 4 महीने बीत चुके हैं लेकिन अब तक किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई काम नहीं देखा जा रहा है ताकि जो दीवार है, जो बाउंड्री वॉल है वो बनाई जा सके। शहडोल जिले की हम बात कर रहे हैं जहां पर आपको बता दें जयपुर में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है
जहां पर इस तरीके की समस्या आ रही है। आपको बता दें कि बाउंड्री वॉल को तब गिराया गया था जब जर्जर भवन को गिराने के लिए यहां पर प्रशासन का पंजा, यहां पर पीला पंजा आया था, लेकिन आपको बता दें बाउंड्री वॉल जो कि पूरी तरीके से ठीक थी उसे भी यहां पर गिरा दिया गया है। वजह यहां पर कोई सामने नहीं आई है और अब तक बाउंड्री वॉल बनाने के लिए भी किसी तरीके से जिम्मेदार कोई प्रयास करते हुए यहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसके साथ ही बता दें आपको कि जो स्कूल में विद्यार्थी हैं, जो छात्राएं हैं, उन्हें इसके कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो बाउंड्री वॉल बनाई गई थी वो एक तरीके से सुरक्षा के तौर पर बनाई गई थी। यहां पर जो विद्यार्थी हैं, जो छात्राएं यहां पर पढ़ती हैं, उनके लिए एक सुरक्षा के तौर पर ये दीवार बनाई गई थी, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि वहां पर जो मैदान है वो पूरी तरीके से खुला पड़ा हुआ है, बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसके कारण असुरक्षित वहां पर जो छात्राएं हैं वो महसूस कर रही हैं। इसके साथ ही बाजार पास ही में लगता है, जिसके कारण कई अनैतिक लोग भी वहां पर देखने को मिलते हैं और यही कारण है कि बाउंड्री वॉल वहां पर नहीं होने से छात्राएं वहां पर असहज भी महसूस करती हैं। बाउंड्री वॉल ना होने के कारण बच्चियां असुरक्षित तो है, पर असुरक्षित हम भी महसूस करती हैं। बाकी प्रस्ताव की बात है, एक बार ऐसी साहब भ्रमण में आए थे तो उनको मौखिक चर्चा भी हुई, उसके बाद मेरी जानकारी आई थी भोपाल से के संबंध में, बहुत से स्कूलों के आए थे, उसमें जानकारी देना था, तो मैं भी बाउंड्री वॉल के संबंध में जानकारी ऐसी ऑफिस पहुँचा दिया हूँ। ये सब पंचायत के अधिकार में था और उनको प्रशासन शासन ने दिया गया है। इसमें यही है कि जो जिला प्रशासन के आदेश पे उसको जो है, चूँकि जो भवन निर्मित भवन थे वो पूर्णी जीर्ण शीर्ण हो गए थे, उनका जो है नष्ट किया जाना उचित था, इस कारण से उसे तोड़ दिया गया है। और चूँकि इसी संबंध में जो है बाउंड्री वॉल भी उसी से लगे हुए थे, इस पर वो भी निकाल दिया गया है। उसका एक बार सीमांकन कराने का आवेदन आया है हमारे पास, उसका सीमांकन करा करके और फिर जितनी की जमीन है वो चिन्हित कर ली जाएगी। वो कन्या हायर सेकेंडरी है, उसके जो सामने आपने देखा होगा मार्केट के से जो लगा हुआ है, उसमें बहुत पुरानी एक हमारी इमारत थी, बिल्डिंग थी, जो जहाँ पे मिडिल क्लास लगा करती थी। अब वो काफ़ी जर्जर अवस्था में थी, ये था कभी भी गिर सकती है, और उसमें दरवाजे वगैरह उसमें कुछ नहीं थे, तो आवारा तत्व उसमें ये सुनने में आता था कि आवारा तत्व भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये बात जब प्रशासन की नज़र में लाई गई तो ये आदेश हुआ कि उसको बिल्कुल से गिरा दिया जाए, और उसके बाद नई बिल्डिंग नहीं, नया फिर उसमें बाउंड्री वॉल बनाने के लिए फिर हमने सहायक महोदय को बताया था और वो शायद प्रस्ताव भी भोपाल को भिजवा दिया गया। जैतपुर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बताते हैं शासकीय कन्या विद्यालय की बात हो रही है। जैतपुर के इस स्कूल में बनी जर्जर अतिरिक्त कक्ष को गिराने के साथ में यहाँ पर जिला प्रशासन ने स्कूल में बनी बाउंड्री वॉल को भी गिरा दिया था। कई दिन बीत जाने के बावजूद भी यहाँ पर बाउंड्री वॉल का कार्य शुरू नहीं किया गया है। वहीं आपको बता दें इस खबर पर, इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए जवाहरलाल राव मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जवाहर जी, हमारी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी, जैतपुर में कन्या विद्यालय जो है वहां पर बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया था, जर्जर कक्ष को गिराने की यहां पर कार्रवाई चल रही थी, इस दौरान जो सुरक्षित दीवार थी उसे भी यहां पर गिरा दिया गया था। वहीं कई महीने बीत जाने के बाद भी अब तक दीवार यहां पर वापस से बनने की जो कार्रवाई होती है वो यहां पर शुरू नहीं हुई है। बच्चे परेशान हैं, जो छात्राएं हैं स्कूल में वो अपने आप को वहां पर असुरक्षित महसूस कर रही हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? तो कहता हूं दीवार बनना चाहिए, कन्या पढ़ती है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकता है, बच्चे खेलते भी हैं, बाउंड्री रहने से सुरक्षित भी थे बच्चे, तो फिर कन्या विद्यालय है तो ध्यान में रखते हुए शासन को संज्ञान में लेना चाहिए। हेलो जी जवाहर जी, वही
ये दीवार अब तक क्यों नहीं बनी है, क्या आपको लगता है क्या कारण है कि अब तक ये दीवार बन नहीं पाई है? क्योंकि जो बच्चियां हैं वो वहां पर परेशान हो रही है, एक सुरक्षा के तौर पर वो दीवार थी लेकिन अब वो दीवार वहां से गिरा दी गई है। 3 से 4 महीने बीत चुके हैं लेकिन अब तक वो दीवार नहीं बनी है, क्या कारण आपको लगते हैं अब तक क्यों नहीं बन पाई है वो दीवार? प्रशासन की लापरवाही है, जी। जवाहर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वहीं हम आपको बता दें जैतपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि स्कूल में बनी बाउंड्री वॉल को भी यहां पर गिरा दिया गया था, कई दिन बीत जाने के बाद भी बाउंड्री वॉल का कार्य शुरू नहीं हो पाया है और अब सरकार के निर्देश के बाद स्कूल भी संचालित यहां पर की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जब जर्जर बिल्डिंग को तोड़ना था तो फिर बाउंड्री वॉल क्यों तोड़ी गई है, एक बड़ा सवाल यहां पर सामने आ रहा है। प्रदेश सरकार स्कूल के बच्चों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है लेकिन यहां पर शहडोल जिला प्रशासन बच्चों की सुरक्षा में सेंध लगाता हुआ दिख रहा है। जो अब स्कूल परिषद में खुले तौर पर यहां पर जो छात्राएं हैं वो असुरक्षित यहां पर कहीं ना कहीं महसूस कर रही हैं। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो अब बिना बाउंड्री वॉल के ही रह गया है, वहीं स्कूल के बाहर का पूरा नजारा क्लास में बैठे छात्राएं यहां से देख सकती है। स्कूल के बाहर असामाजिक तत्व का जमावड़ा भी यहां पर लगा रहता है। जो बाहर बाजार है वहां पर कई तरीके के लोग वहां से आना जाना करते हैं और बाजार में कई लोग यहां पर रहते हैं और दीवार ना होने से एक जो सुरक्षा की जो दीवार थी वो अब नहीं रही है जिसके कारण लोग परेशान हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्कूल के बाहर पान के ठेलों पर भी लोग वहां पर खड़े रहते हैं, नशीले पदार्थों का वहां पर सेवन किया जाता है जो स्कूल के अंदर से साफ देखा जा सकता है। यानी कि वहां पर एक जो दीवार होनी चाहिए थी सुरक्षा के तौर पर होनी चाहिए थी वो दीवार अब वहां पर नहीं है जिसके कारण कई समस्याओं का सामना यहां पर छात्राएं कर रही हैं। इसके बावजूद आपको बता दें 3 से 4 महीने यहां बीत चुके हैं, इसके बावजूद भी प्रशासन किसी तरीके की कार्रवाई यहां पर नहीं कर रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें बच्चों को खेलने के लिए जो ग्राउंड वहां पर बना हुआ है वो भी घास से भरा हुआ है जो इन बरसात में कभी भी यहां पर कोई दुर्घटना हो सकती है। वहीं स्कूल के प्राचार्य ब्रजकिशोर साय पैकरा ने बताया कि बाउंड्री वॉल बनाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को जानकारी दी गई है पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैतपुर की हम बात करें, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जहां पर आपको बता दें इतने दिन से कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के चलते जो स्कूल थे वो बंद थे लेकिन अब स्कूल भी शुरू हो गए हैं, स्कूल शुरू हो गए हैं जिसके कारण अब यहां पर छात्राओं की कक्षाएं लगना शुरू हो गई हैं। और बाउंड्री वॉल यहां पर ना होने से जो छात्राएं हैं स्कूल में पढ़ाई तो कर रही हैं लेकिन बाहर आने जाने में यहां पर असहज वो महसूस कर रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें इतना वक्त बीत जाने के बावजूद प्रशासन यहां पर किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। 3 से 4 महीने बीत चुके हैं, आपको बता दें कि जर्जर कक्ष को यहां पर हटाया जाना था वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आजाद बहादुर सिंह जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आजाद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फोन कट गया मैडम उनका, हमारा संपर्क इनसे नहीं हो पा रहा है। वहीं आपको बता दें जो छात्राएं हैं वो यहां पर परेशान हैं, वहीं प्रशासन सोया हुआ है, प्रशासन द्वारा किसी तरीके की यहां पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। दीवार 3 से 4 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक जो दीवार थी वो नहीं बन पाई है, जो छात्राएं हैं वो परेशान हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार कब प्रशासन जागेगा और जो सुरक्षा की बाउंड्री वॉल वहां पर तोड़ी गई है उसे फिर से बनाया जाएगा।
फिलहाल के लिए जनमुद्दे में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।